मध्य प्रदेश में पेड़ों का इंसानों को अपनी ओर खींचना और बीमारियों के ठीक होने का अंधविश्वास कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिपरिया से उठा यह तांडव अब आठनेर के जंगलों तक पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि यहां कई महुआ के पेड़ करंट मार रहे हैं और ऐसा ही एक पेड़ बिस्नूर गांव में भी करंट तो मार ही रहा है, लोगों को अपनी ओर खींच भी रहा है। जामठी गांव में भी एक महुआ का पेड़ कौतूहल का विषय बन गया है। लोगों का मानना है कि इस महुए के पेड़ की परिक्रमा करने और उससे हाथ लगाने से हर बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए दो दिनों में ही पेड़ के पास लोगों की अब भीड़ उमड़ पड़ी और यह अंधविश्वास का एक महज साधन है। और अधिक जानकारी से विजय प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ऐसा क्या पूरा करंट सारे महुआ के पेड़ों में फैल रहे हैं, अपनी तरफ ये पेड़ खींच रहे हैं, क्या चल रहा है ये? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा, छूते ही बीमारी यहां से खत्म हो रही है, यानी कि अस्पताल सारे बंद हो जाएंगे ऐसे, तो क्या ये अंधविश्वास है या वाकई हकीकत है? जी दीपक जी, बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में जहां पर अभी पेड़ की कटाई को लेकर के सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि महुए के पेड़ पर किसी प्रकार का केमिकल लगा करके फल न उत्पन्न न हो, इसलिए इसके चलते गांव के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के जो आदिवासी है, जो महुए की खेती करते थे या फिर जो महुए का उत्पादन उगाते थे, ये इन लोगों का एक सोची समझी साजिश कहे या फिर अंधविश्वास कि देवी देवताओं का वास अपने बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों के देवी देवता है। अभी हाल ही में जब मामला आया है आठनेर के बिस्नूर गांव का, यहाँ पर भी बताया गया है कि पचमढ़ी से महादेव इस पेड़ में माता पार्वती को छोड़ करके गए हैं और शिवरात्रि की रात्रि को महाराष्ट्र सीमा से सटे ग्राम सालबल्डी में उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे और वहाँ विवाह उनका रचाया जाएगा। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बना करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। विजय, जिस तरीके से लोगों को जागरूक यहाँ करना चाहिए, क्या प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है, क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मसले को लेकर? पुलिस प्रशासन से जब बात करी और वो खुद स्वयं भी वहाँ पर जाकर के देखे थे तो पुलिस ने नहीं, आपको रुकना चाहूंगा, थाना प्रभारी दादू सिंह टेकाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। दादू जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है। जी हाँ जी टेकाम जी, यहाँ पर ये महुआ अपनी तरफ खींच रहा है, करंट मार रहा है, बड़ा अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं, असल में हकीकत क्या है? हाँ, मैं भी कल गया था, आज भी गया था, वहाँ 5 दिन का मेला है, 3 दिन से लग चुका है, आज चौथा दिन है यहाँ है। तो जैसे फॉरेस्ट विभाग के अंदर में तो नहीं है, कृषि भूमि वाला है, वहाँ रोड के किनारे में महुए का पेड़ है, वहाँ कम से कम 250 ने आदिवासी और कुछ जन दूसरे समाज के भी व्यक्ति है वहाँ पर, यानी पेड़ के चारों तरफ बैठ जाते हैं वहाँ पर उखरू और जूती चप्पल उतार कर हाथ को नीचे रख लेते हैं दोनों हाथों को, तो हाथ आने ऑटोमेटिक खिसकता है पेड़ के तरफ, ऐसे उनका कहना है, मैं तो प्रैक्टिकल नहीं करा हूँ वहाँ पर, लेकिन आंखों से देखा हूँ वहाँ पर। अब अंधविश्वास कहूँ या क्या करूँगा, मैं भी पुलिस में हूँ, अब अंधविश्वास तो कहूँगा ही उसको, लेकिन आस्था भी है वहाँ पर कुछ लोगों का, तो इसलिए अपन उसको मना भी नहीं कर सकते, भाई इसको तो मत करो करके उसमें, वहाँ देखा हूँ हकीकत है, जाम की करके गाँव है वहाँ पर। तो टिकाम जी, मतलब ये महुआ का पेड़ ऐसा क्या बड़ा पेड़ है जी, ये कब से चमत्कार होने लग गया, कब से ये पेड़ अपनी तरफ से लोगों को आकर्षित कर रहा है, बीमारियां ठीक कर रहा है, डॉक्टर का भी काम कर रहा है और चुंबक का भी काम कर रहा है, बिजली का भी काम कर रहा है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता इसमें, भैया विज्ञान है उसमें सर्च करेगा क्या है उसमें हकीकत है। कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है टिकाम जी? नहीं, उसके लिए व्यवस्था सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ काम पहुँच भीड़ भाड़ है, वहाँ लाइन लाने की स्थिति नहीं है, वहाँ 150 पब्लिक है, आती जाती रहती है वहाँ पर, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, लेकिन हाँ सुबह शाम वहाँ भीड़ रहती है, आसपास की गाँव वाली रहती है, आदिवासी यानी पब्लिक भी है, बाकी दूसरे समाज के भी यानी व्यक्ति आने, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, सभी आना जाना कर रहे हैं वहाँ पर। जी शुक्रिया आपका काम चीज जुटने के लिए। जी और हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए थे। विजय, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।